और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली से पार्टी के घर घर गारंटी अभियान की शुरुआत की और दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी लोगों को नहीं मिली, लेकिन उनकी पार्टी जो गारंटी दे रही है उन पर वो अमल करेगी। कांग्रेस का ये चुनावी अभियान 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित है। इस अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता 5 न्याय और 25 गारंटी वाला कार्ड घर घर जाकर बांटेंगे। कांग्रेस का लक्ष्य 8 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का है। हमारे जो 5 गारंटीज है और उसके तहत 25 गारंटीज सारे देश में हम करने के लिए पहले से देश के सामने हमने ये मुद्दा रखा है। ये कार्ड जो है, ये कार्ड हमारे लोग घर घर बांटेंगे। घर घर गारंटी अभियान दिल्ली से हो गया आगाज। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि कांग्रेस न सिर्फ गारंटी कार्ड बांटेगी बल्कि गरीबों की मदद के हर वादे को पूरा भी करेगी, क्योंकि कांग्रेस झूठे वादे नहीं करती जैसे बीजेपी करती है। मोदी हमेशा मेरी गारंटी, मोदी की गारंटी बोलते हैं। जो गारंटी वो बोलते हैं वो गारंटी कोई कामयाब नहीं होता और आज तक उनकी गारंटी लोगों को मिली नहीं। जैसा कि उन्होंने पहले कहा था 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का, अब तक तो कम से कम 10 करोड़ नौकरियां देना था, उन्होंने नहीं दिया। फिर भी मुझे मालूम नहीं क्यों लोग ऐसी प्रचार करते हैं और ऐसे झूठ बोलने वालों को सपोर्ट करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के पुराने वादे याद दिलाकर बीजेपी को घेरा तो राहुल गांधी ने एक रिपोर्ट का जिक्र कर बेरोजगारी के मुद्दे को सबूत के साथ उछाल दिया। सोशल मीडिया एक्स पर अपने पोस्ट में राहुल ने लिखा, बेरोजगारी की बीमारी के चपेट में अब IIT जैसे शीर्ष संस्थान भी आ गए। IIT मुंबई में पिछले वर्ष 32% और इस वर्ष 36% स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट नहीं हो सका। देश के सबसे प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान का ये हाल है, तो कल्पना कीजिए कि बीजेपी ने पूरे देश की स्थिति क्या बना रखी। कांग्रेस द्वारा युवाओं के लिए रोजगार का ठोस प्लान देश के समक्ष रखे लगभग 1 महीना बीत चुका है, पर भाजपा सरकार ने इस मुद्दे पर अब तक सांस भी नहीं ली। नरेंद्र मोदी के पास न रोजगार देने की कोई नीति है और न ही नीयत, वो सिर्फ भावनात्मक मुद्दों के जाल में फंसा कर देश के युवाओं को धोखा दे रहे हैं। युवा इस सरकार को उखाड़ कर अपने भविष्य की नींव खुद रखेगा। कांग्रेस का युवा न्याय देश में एक नई रोजगार क्रांति को जन्म देगा। हालांकि राहुल के इस दावे ने बीजेपी की बेचैनी बढ़ा दी। बौखलाई सत्ताधारी पार्टी ने राहुल गांधी को चश्मा बदलने की नसीहत दे दी, लेकिन कांग्रेस ने पूछा कि अगर अपने काम पर इतना ही भरोसा है तो फिर बीजेपी विपक्ष को डरा क्यों रही है? विकास उनको नहीं दिखाई पड़ता है तो अपना चश्मा तो लेंस बदलने, हाईवे बने कि नहीं बने, भारत में 5वीं इकोनॉमी होगी कि नहीं, 3rd के रास्ते पर है कि नहीं, डिफेंस में आगे बढ़े हैं कि नहीं, इलेक्ट्रॉनिक में आगे बढ़े हैं कि नहीं, गरीबों का टीका लगा है कि नहीं, कोरोना में वो भी बहुत लेट से लगवाए थे। आज भारत में तो हवाई जहाज भी बन रहा है, मिलिट्री फाइटर प्लेन बन रहा है, गरीबों 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाया गया है, आगे और होगा। आज जो ये सरकार है ये डरा रही है कि खासकर हमारे तो कांग्रेस पार्टी के जितने भी पेनल्टी डालना था वो पेनल्टी डाले हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भाई इलेक्शन में मत पूछो करो, तब वो अब रुकेंगे और क्या करेंगे हम देखेंगे, लेकिन हमारे खजाने में से अब ऑलरेडी 135 करोड़ रुपए वो लेके गए। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों का आरोप है कि मोदी सरकार ने संस्थाओं पर कब्जा कर लिया, जिससे विपक्षी दलों को चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पा रहा। विपक्ष की घोषणाएं भी जनता तक पहुंचने से रोकी जा रही हैं। संजीव त्रिवेदी, दिल्ली, न्यूज़24।